नमस्कार, वेलकम टू हरियाणा पत्रिका। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका हरियाणा पत्रिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको हरियाणा पुलिस की कंप्लीट प्रोसेस बताई थी कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसकी हर एक डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। तो जो कैंडिडेट जिनकी ओवर एज हो चुकी है और जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, उनको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दूसरा मौका दिया गया है, उनको दिक्कत ये आ रही है कि उनका फॉर्म जो है, जब वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं उसमें, तो डाटा नॉट फाउंड दिखा रहा है। दोस्तों, ये दिक्कत सिर्फ एक कैंडिडेट को नहीं बल्कि हर एक उस कैंडिडेट को आ रही है जिसकी ओवर एज हो चुकी है और जिन्होंने इससे पहले उसमें अप्लाई किया था। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने, HSSC ने जो अपना जो पीछे का डाटा था, वो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके साथ वो लिंक नहीं किया है, इस वजह से आप सभी को ये दिक्कत आ रही है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस समस्या को दूर कर दे और जो आपका जो पुराना डाटा है, आपका जो पुराना एप्लीकेशन नंबर का जो डाटा है, वो आपके नई एप्लीकेशन के साथ जल्द ही लिंक करने वाला है। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी इस समस्या का समाधान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि रेगुलरली अपने एप्लीकेशन को लॉगिन कीजिए और उसको चेक करते रहिए कि आपका डाटा लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। फिलहाल तो हम यही कर सकते हैं और बाकी तो HSSC जब अपना पूरा का पूरा डाटा उसके साथ लिंक कर देगा, अपडेट कर देगा, उसके बाद ही आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित कोई और दिक्कत है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसकी उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और उससे संबंधित आपको बिल्कुल सही सही सुझाव देंगे ताकि आपको आपकी परेशानी दूर हो सके। हरियाणा पुलिस की तैयारी और HSSC के तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हरियाणा पत्रिका यूट्यूब चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।